Assalamu alaikum students, how are you? This is Ali Zain from University of Education Lower Mall Campus Lahore, and I'm here to teach you the subject animation. And today is the 18th lecture of this subject, and we are studying principles of animation, and it is the ninth topic of this ninth part of this topic. And this is the last principle that we are going to study. So in these nine lectures, the previous nine lectures, we have completed and we have studied all principles of animation that are very necessary to make our creative and good animation. So let's move towards today's animation principle, and that is appeal. जैसा कि आपको पता है कि appeal जो है वो एक attraction को भी बोला जाता है, एक जो है वो magnetic feel को बोला जाता है, और आम तौर पर इसको हम charisma भी बोलते हैं. तो आपके character में अगर attraction या appeal या charisma नहीं है तो ऑडियंस जो होगी वो आपके कैरेक्टर के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी. आम जो मूवीज होती हैं उनके अंदर भी ऐसे ही होता है कि रियल लाइफ की बजाय मूवीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और उनकी जो है वो पर्सनैलिटी वेल ग्रूम्ड होती है, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पे आके कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है. तो स्क्रीन पे जो है वो लोग उसी चीज को देखते हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा सुपीरियर नजर आती है. आप लोगों ने अक्सर जो है वो कुछ रियल मूवीज देखी होंगी जो रियल स्टोरीज पे बेस्ड होती हैं, कुछ ऐसी मूवीज जो रियल लाइफ स्टोरीज पे बेस्ड होती हैं. तो रियल लाइफ स्टोरी जो होती है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके उनकी लुक एंड फील आप देखें, और उन कैरेक्टर्स के ऊपर जो मूवी बनाई गई होती है उस मूवी में उन कैरेक्टर्स की लुक एंड फील देखें तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा. उसकी वजह यही होती है कि मूवी में आके उन्होंने बहुत ज्यादा करिश्मेटिक और अपील वाले कैरेक्टर यूज करने होते हैं ताकि ऑडियंस देखे. जैसा कि आप लोगों ने अभी मेरे ध्यान में आई है मूवी दंगल, वो मूवी आपने देखी होगी आमिर खान की, तो उसके जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं जिसका वो आदमी है जिसका रोल आमिर खान ने प्ले किया है, तो आमिर खान को देखें और उस आदमी को देखें, दोनों में आपको कितना ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा. और जो उसकी बेटियां हैं वो रियल लाइफ में कैसी हैं और मूवी के अंदर जो बेटियां दिखाई हैं वो कैसी हैं. तो इसका मतलब यह है कि स्क्रीन पे आपने जब भी कोई चीज दिखानी है वो बहुत ज्यादा अपील और क्रेजमेटिक होनी चाहिए. तो आप जो मूवी में अपनी एनिमेशन में कैरेक्टर्स यूज करेंगे उनमें अगर क्रेजमा नहीं है, उसमें अट्रैक्शन नहीं है, तो आपका उसका कोई फायदा नहीं. तो इसलिए जो भी करेक्टर या जो भी एनिमेशन के लिए आपने कोई करेक्टर वगैरह बनाना है तो उसको आपने हर तरह से परफेक्ट और वेल प्रोपोर्शनड और आइडियल जो एक फिगर होता है, एक आइडियल बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग बनाना है ताकि वो एनिमेशन की स्क्रीन पे ऑडियंस के साथ इमोशनल अटैचमेंट कर सके. अपील इन तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है कि अपील इन अ कार्टून कैरेक्टर कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट वुड बी कॉल्ड कैरिज्मा इन एन एक्टर. ठीक है, जिस तरह से करिश्मा वही चीज है, जैसे कि कुछ बंदे होते हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो दूर से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम करिश्मा बोलते हैं. जिस तरह से एक एक्टर मूवी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक्टर होना इज नॉट द थिंग टू बी एन हीरो और लीड रोल. एक्टर बहुत अच्छा भी हो सकता है लेकिन वो हीरो नहीं आ सकता. जिस तरह से हम कह लें कि शाहरुख खान है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो बहुत हाई लेवल का एक्टर है, बट उसके अंदर वो कैरिज्मा नहीं है जो कि शाहरुख खान में है, और शाहरुख खान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जितनी एक्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी
शाहरुख खान जो है वो मूवीज उसकी में हिट है, उसकी जो है वो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी अपील ज्यादा अच्छी है, उसका करिश्मा है, उसके फैंस ज्यादा हैं। तो इसी तरह आपके एनिमेशन का जो करेक्टर होगा उसके लिए भी जरूरी है कि वो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी रखता हो, ताकि ऑडियंस के दिमाग में वो फिक्स हो जाए और ऑडियंस उसको पसंद करने लग जाए। अ करेक्टर हु इज अपीलिंग इज नॉट नेसेसरली सिंपैथेटिक। विलियंस और मॉन्स्टर्स कैन ऑल्सो बी अपीलिंग। मीन्स के करिश्मा जो है वो लाजमी नहीं है कि हीरो के अंदर ही हो, वो विलेन के अंदर भी हो सकता है, और नेगेटिव रोल प्ले करने वाला जो मॉन्स्टर होता है उसके अंदर भी हो सकता है। मेन बात ये होती है कि आपने जो है वो करेक्टर को ऑडियंस की नजरों में बहुत ज्यादा फेमस करना है, उसके साथ उनकी अटैचमेंट करनी है, जिस तरह से आप ने जो है वो कई मूवीज ऐसी देखी होंगी जिनमें विलेन जो है वो हीरो से ज्यादा सुपीरियर हो जाता है। लाइक जिस तरह से अभी मेरे दिमाग में मूवी आई है धूम, मूवी थी धूम टू मेरे ख्याल से, तो उसमें ऋतिक रोशन जो है वो विलेन का रोल प्ले कर रहा है और अभिषेक बच्चन जो है वो हीरो का रोल प्ले कर रहा है। बट ऋतिक की जो पर्सनैलिटी है और जो उसका करिश्मा है वो अभिषेक से कहीं ज्यादा बढ़कर है, तो दैट्स व्हाई वो विलन होने के बावजूद भी लोगों का फेवरेट करेक्टर बन गया धूम।